हाय गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल मोमन सब जरूर सर आपका स्वागत है। आज हम आपको दिन का बनाना दिखाएंगे। यहाँ पे तार खींच रहे हैं, अभी तार को उतना खींचना है जितना अपने को ज़रूरत है, खींच लेंगे। उसके बाद तार को हीट मारेंगे ताकि वो तार जो है ना, वो हीट करने से क्या होता है, नरम हो जाता है, तो हम जैसा चाहते हैं उसको वैसा घुमा सकते हैं। अभी हर प्रकार का तार खींच लेंगे, और तार खींचने के बाद अभी इसको रोल कर रहे हैं ताकि ये क्या है, अपने को फ्लैट में चाहिए, तो वो झुमका का जो शेप है ना वो बनाना है अपने को। ये जो स्केल है वो माप से अपने को पूरा जितना भी चाहिए रेडी कर लेंगे। थोड़ा भी बड़ा नहीं छोटा नहीं होना है, एक बराबर रहना है, इसीलिए स्केल से माप करके सब कट कर लेंगे। उसके बाद इसको रिंग साइजर में डाल के सेम नंबर से रेडी कर लेंगे, दो पेयर के लिए पूरा आइटम रेडी करेंगे स्केल में डाल। ये रेडी होने के बाद इसको जो इसका मुंह कटा हुआ है उस पर हल्का केडियम देके हैंड सोल्डरिंग करेंगे ताकि वो मजबूत रहे और खुले ना, क्योंकि इसी पे हमको पूरा डिज़ाइन सजाना है। अब हम पूरे ब्लैक मोम पे इसको रख के इसके बीच में मोम डालेंगे, अच्छी तरह से इसको फिक्स कर देंगे ताकि ये हिले ना। अब हम जो भी डिज़ाइन है उसके हिसाब से यहाँ पे डाई रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप डाई रखेंगे। ये थोड़ा भी गैप नहीं होना है, आप देख रहे हैं कि हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा एक राउंड कंप्लीट किया है। अभी इसके ऊपर भी काम बाकी है, ऐसे ही सबको स्टेप बाय स्टेप अपने को डाई सजा लेना है। अभी इसके ऊपर एक लेयर और बनाना है, उसके लिए अपने को एक डिज़ाइन और तार का कट कर लेना है, और फिर ये सपोर्ट के लिए देते हैं ताकि जब काम बने तो मजबूत रहे। इसके लिए हम एक राउंड और तार का रिंग डालेंगे वहाँ पे, उसके ऊपर फिर डिज़ाइन सजाएंगे। एक डाई डाल रहे हैं, एक बीच में रिंग डाल रहे हैं छोटा, इधर डाई रहेगा, फिर रिंग रहेगा, फिर डाई रहेगा, तो वो डिज़ाइन जो है वो अच्छा लगेगा। जो भी थोड़ा बहुत गैप रहता है ना उसको हमको कवर करना होता है उसमें। अब उसके ऊपर भी एक रिंग बना के डालेंगे, उसके ऊपर एक राउंड टोपा डालेंगे, और जो बीच में गैप आ रहा है उसमें हम अलग तरह का डिज़ाइन बनाएंगे। आप देख लीजिए कैसा हो रहा है, और बाकी जो हमारा पीस है उसको भी हम सेम ऐसे ही रेडी करेंगे। ये जो है सबसे ऊपर का पार्ट है झुमका जो बनेगा, उसका सबसे ऊपर का पार्ट ये है छोटा पीस। अभी हम लोग इसको तार को राउंड राउंड कर लेंगे और उसके बाद कट करेंगे। ये हमारे को छोटा रिंग बनाना है क्योंकि उसमें बॉल्स लटकाना होता है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। ये आधा आधा कट करके ये रिंग अपने को इस काम में भी लेना है, और प्लस बॉल्स भी झुमके में जो नीचे लटकता है उसके लिए भी हमको ऐसा रिंग बनाना पड़ता है। सोने का जो काम होता है दोस्तों बहुत बारीकी का काम रहता है। करने के लिए हमको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है कि कहीं छूट तो नहीं गया है, नहीं
क्या होएगा वो पीस अधूरा ही रह जाएगा, फिर दोबारा बहुत मगजमारी होता है। ऐसे ही करके हर चारों पीस को सोल्डरिंग करेंगे, हैंड सोल्डरिंग अच्छी तरह से देखना पड़ता है ताकि छूट ना जाए, क्योंकि ये ज्वेलरी का काम है, बारी के काम है। यदि छूट भी गया तो बहुत परेशानी से होगा, लेकिन परेशानी होएगा। अभी उसको पानी में डाल के निकाल लिए हैं फिनिश करके अच्छे से। अभी तार राउंड राउंड बना रहे हैं, इसको हम अच्छे से बना लेंगे और स्टेप बाय स्टेप वी शेप में इसको कट करेंगे। लास्ट में वी शेप इसको कट करने के बाद वो झुमका के नीचे लगाएंगे और उसी में अपने को बॉल लटकाना है एकदम झुमके के नीचे। अभी इसको राउंड कर लेंगे और डायरेक्टली झुमके के पीस में इसको सोल्डरिंग कर देंगे नीचे वाले पार्ट पे। अभी आप देखिए यहाँ पे सोल्डरिंग हो जाएगा वो अच्छे से केरियम लगा के। ज्वेलरी के काम में मेहनत तो नहीं, लेकिन दिमाग की बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत बारीक काम रहता है, इसको बहुत सावधानी से और अच्छी तरह से करना पड़ता है। यदि आप कुछ भी गलती कर रहे हो तो जिसका भी डिज़ाइन का ऑर्डर रहता है वो लेगा नहीं, तो हमारा जो लॉस होता है, वेस्टेज, वो बेकार हो जाएगा। इसी के लिए हमको अच्छी तरह से करना पड़ता है। अभी ये रिंग जो है, एक छोटा एक बड़ा दोनों को सोल्डरिंग कर लेंगे। सोल्डरिंग करने के बाद इसको एकदम ऊपर पे लटकाएंगे ताकि झुमका जो है आपका वो स्टेप बाय स्टेप लटकता हुआ रहेगा, तभी उसके लिए रिंग लगाना पड़ता है। अब ये रिंग ऑर्डर के हिसाब से कि इसको कितना कैसा चाहिए वो हम वो हिसाब से इसको सेटअप करते हैं। किसी को ज़्यादा हाइट चाहिए, किसी को कम हाइट चाहिए, वो हिसाब से हम साइज़ एडजस्टमेंट कर लेते हैं रिंग का। अभी ये दोनों को हैंड सोल्डरिंग करके कंप्लीट करेंगे, ये रेडी हो जाएगा जब, तो आगे का प्रोसेस चालू करेंगे। अभी इसमें हम जो भी बॉल है इसमें हम एक एक रिंग सोल्डरिंग करके हटा लेंगे और जितने भी पीस हैं, जो भी हमने डिज़ाइन नीचे सोल्डरिंग किया था, उसमें हर एक में ये बॉल को डालेंगे और उसकी मुँह दबा देंगे। पूरे झुमके में ये रेडी हो गया है अभी। उसके बाद अभी हम दूसरे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। अभी हम इसको पीट लेंगे अच्छी तरह से, मशीन में इसको पट्टी बना लेंगे, उसके बाद कट करेंगे बारीक बारीक। इसको एकदम बारीक बारीक कट कर लेना है अपने को। इसको सोल्डरिंग के लिए हम लोग काम में लेते हैं, इसको केडियम बोलते हैं। और उसी पट्टी से हम पेंच भी बनाते हैं जो कान में लगाने के लिए। ये पट्टी बीच में देके यहाँ पे बीच में पेंच लगाएंगे जो आपके कान में जाता है। अभी इसको हैंड शोल्डरिंग कर देंगे यहाँ पे।